हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, आज आपके लिए यहाँ पर एक लाइव ट्रेडिंग का वीडियो लेके आया हूँ। अगर आपको पता होगा, मैं हर फ्राइडे को यहाँ पर एक लाइव ट्रेडिंग का वीडियो पोस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। लगभग लास्ट 4-5 वीक से ये मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज फ्राइडे यहाँ पर आज मैं भी यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी एंट्री मिल चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक महिंद्रा का ये स्टॉक है और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। मैं आपको यहाँ पर सेटअप बताता हूँ। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एंट्री कर भी ली है। टेक महिंद्रा का स्टॉक मैंने यहाँ पर कल आपके लिए शेयर नहीं किया था। मैंने कौन कौन से स्टॉक्स आपके साथ में शेयर किए थे, आप यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हो। मैंने M&M किया था, ITC किया था और ये यहाँ पर गोदरेज किया था। तीनों भी यहाँ पर शॉर्ट के लिए किए थे, ठीक है ना। पर इसमें बहुत ही अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1% से सब लोग ऊपर चल रहे हैं। इस वजह से मुझे यहाँ पर कोई भी अच्छा सेटअप नहीं दिख रहा है, इस वजह से मैं इसको अवॉइड करूंगा। फिलहाल मुझे टेक एम में बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। अब भी मैं आपको यहाँ पर पूरा सेटअप समझा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर इतना अच्छा मार्केट होने पर भी यहाँ पर मैंने शॉर्ट की एंट्री क्यों ली, क्योंकि अगर थोड़ा सा आप यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी देखोगे, बहुत ही अच्छा मेजर ब्रेकआउट यहाँ पर हो चुका है। मैं यहाँ पर स्कैल्पिंग का भी ढूंढ रहा हूँ। अगर मुझे कोई यहाँ पर स्कैल्पिंग मिल जाती है तो वो भी यहाँ पर लाइव ट्रेडिंग में देख लेंगे। और फिलहाल अभी यहाँ पर मेरा इंट्राडे ट्रेड चालू है। अभी इसका मैं आपको सेटअप बता देता हूँ। टेक महिंद्रा हमारा IT सेक्टर में आता है। यहाँ पर IT सेक्टर भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ रहा था और यहाँ पर टेक महिंद्रा भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे आ रहा था। अभी कौन सा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपको 1 by 1 अगर बताऊंगा, टॉप डाउन एनालिसिस यहाँ पर करूंगा। तो अगर हम यहाँ पर से 1 डे के टाइम फ्रेम में चलेंगे तो यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सिंपल सा क्या किया, यहाँ पर जो मेजर करेक्शन है यहाँ पर से लेके यहाँ तक, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक मेजर करेक्शन है। इसको सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा दिया और इसके एक्सटेंशन के रेशियोज यहाँ पर बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.272 प्राइस ने यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम किया था। यहाँ पर से प्राइस गिरा था, यहाँ पर से प्राइस गिरा था, देन प्राइस यहाँ पर भी सस्टेन नहीं कर पाया था। उसके बाद में प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया, रिटेस्ट कर दिया और देन यहाँ पर से ऊपर चला गया। और अगर मैं नेक्स्ट रेशो आपको बताऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1.618, यहाँ पर 1.618 भी बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम किया। यहाँ पर से भी 2 दिन हमें निगेटिव में देखा और उसके बाद में मार्केट यहाँ पर से गिरा। देन अगर मैं आपको और एक रेशो बताना चाहूँ तो प्राइस अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है, 2.618 पर, और यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर कैंडल्स बना रहा है। इसी वजह से थोड़ा सा पुल बैक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर 20 पीरियड मूविंग एवरेज तक। इसी वजह से यहाँ पर मैंने शॉर्ट का ट्रेड प्लान किया है। और मैंने आपको बोला था कि टेक महिंद्रा यहाँ पर IT सेक्टर में आता है। तो अगर मैं IT सेक्टर का ग्राफ ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि सिंपल सा यहाँ पर क्या दिख रहा है। यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर हमने विप्रो में भी एंट्री ली थी, यहाँ पर हमने HCL टेक में भी एंट्री ली थी और यहाँ पर हमने साथ में TCS में भी एंट्री ली थी। और उन तीनों भी स्टॉक्स के ऊपर यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग के वीडियो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। ये वाला मोमेंटम हमने कैप्चर कर लिया है, ठीक है ना। तो प्राइस ऐसा नहीं है कि सीधा एक लाइन में मूव करता रहे, प्राइस थोड़ा सा डाउनसाइड में रिट्रेसमेंट लेगा। अब ये रिट्रेसमेंट कहाँ से होता है वो हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ही बता सकती है। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, ये वाले टॉप से इस वाले बॉटम पर अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का रेशो में खींचूंगा तो आपको क्लियरली यहाँ पर 1.272 दिख रहा होगा, जहां पर प्राइस अभी रेजिस्टेंस ले रहा है। और यहाँ पर से हो सकता है कि छोटा सा पुल बैक हमें देखने को मिले और यहाँ पर से ब्रेक करने के बाद में फिर से हमें एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम देखने को मिले। तो यही एक रीजन है कि यहाँ पर से मैंने शॉर्ट की एंट्री ले ली है, ठीक है ना। तो यही एक रीजन है कि इस वजह से मैंने यहाँ पर शॉर्ट की एंट्री ले ली है। डोंट नो कि मैं यहाँ पर प्रॉफिट बनाऊंगा या फिर लॉस बनाऊंगा, ये मुझे अभी यहाँ पर मायने नहीं रखता है। सिर्फ मुझे ये मायने रखता है कि यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया। ट्रेड यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस रेजिस्टेंस पर थी, यहाँ पर बहुत ही अच्छा राइजिंग चैनल पैटर्न बन रहा था। राइजिंग चैनल पैटर्न का डाउनसाइड में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में मैंने पेशेंटली यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट का वेट किया। रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर बीरिश हैमर कैंडल पैटर्न बना और यहाँ पर से मैं डाउनसाइड के टारगेट्स प्लान कर रहा हूँ। अभी आपको बात कर देते हैं कि टारगेट्स किस तरह से मैं यहाँ पर डिसाइड करूंगा। तो आपको यहाँ पर क्लियरली एक ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा ट्रेंड है। इस वजह से डाउनसाइड से तो हम यहाँ पर फिबोनाची नहीं लगा सकते, पर फिलहाल हमें यहाँ पर फिबोनाची ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन लगा सकते हैं। यहाँ पर से मैं क्या करूंगा, ये वाला हाई, देन ये वाला यहाँ पर लो हमारा, देन फिर से ये वाला हाई। यहाँ पर मैं सिंपल सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल यूज करूंगा, सॉरी फिबोनाची ट्रेंड बेस एक्सटेंशन का टूल यूज करूंगा। तो मेरे रेशोज क्या आ रहा है यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट रेशो आ रहा है 1.272, जहां पर प्राइस ने अभी सपोर्ट लिया और प्राइस इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रेकआउट जेन्युइन है, इसी वजह से डाउन साइड में हमें मूवमेंट मिल सकती है। देन ये आता है 1.618, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशो होने वाला है। क्यों होने वाला है मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियसली कंसोलिडेशन भी हुआ था, इसी वजह से प्राइस अगर यहाँ पर आती है, यहाँ पर से बाउंस करने का ट्राई करती है, तो मैं अपना स्टॉप लॉस ये वाला जो आप देख सकते हैं लो है इसके जस्ट ऊपर लेके आऊंगा, मतलब ब्रेक इवन पे लेके आऊंगा। क्योंकि यहाँ पर से अगर प्राइस जो है वो बाउंस करेगी तो यहाँ पर से मैं अपना स्टॉप लॉस नहीं लूंगा, यहाँ पर से मैं ब्रेक इवन पे निकल जाऊंगा। ये मेरा यहाँ पर अभी फिक्स रूल है, ठीक है ना। अगर ब्रेक करेगा ये 1.618 भी ब्रेक करेगा तो श्योरली ये 200 पीरियड की EMA बहुत ही अच्छा सा सपोर्ट का काम करने वाले है। डाउन साइड में 2.618 पे इसके ऊपर यहाँ पर 200 पीरियड की मूविंग एवरेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। इसी वजह से मैंने 200 पीरियड के जस्ट ऊपर मेरा अपना यहाँ पर टारगेट रख दिया। यहाँ पर देख सकते हैं कि 1:3 का यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड आ रहा है, रिस्क टू रिवॉर्ड भी अच्छा है। और अगर थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो ये जो मंथ है मतलब दिसंबर का मंथ मेरे लिए बहुत ही अच्छा और प्रॉफिटेबल रहा है। इसी वजह से मुझे यहाँ पर अभी मायने नहीं रखता कि यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो या फिर मेरा टारगेट हिट हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा PNL का प्रॉफिटेबिलिटी का ग्राफ भी ऐड करना चाहूंगा, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो। तो इसी वजह से मुझे सिर्फ ये मोमेंटम जो है, ये दिसंबर का मोमेंटम जो है वो अगले आने वाले ईयर में पास ऑन करना था। इसी वजह से यहाँ पर मेरा सिर्फ आज का ये गोल था कि मैं एक बहुत ही अच्छा ट्रेड लूँ। तो आपको यहाँ पर देखते ही पता चल गया होगा, पूरा एनालिसिस देखते ही पता चल गया होगा कि सेटअप बहुत ही अच्छा है। इसी वजह से यहाँ पर से मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो गया तो भी चलेगा, पर मैं ये मोमेंटम लेके चलूंगा कि मैंने अपना कोई रूल ब्रेक नहीं किया, बहुत ही अच्छा ट्रेड लिया। और यहाँ पर मैं रूल के हिसाब से एक डिसिप्लिन वे से यहाँ पर ट्रेड को मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसी वजह से देखते हैं, मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता हूँ कि किस तरीके से ये यहाँ पर से ट्रेड जाता है। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो ये वाला सपोर्ट था 1.272 वाला, इसके नीचे कैंडल ने अभी क्लोजिंग दे दी। और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि ये वाला जो लो है वो ब्रेक करेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मार्केट गिर रहा है, रिट्रेसमेंट हो रहा है, एंड देन यहाँ पर से फिर से एक फॉल आ सकता है, ठीक है ना। तो वही किया यहाँ पर, वो देख सकते हो। पर इतना अच्छा कन्वेक्शन यहाँ पर नहीं है, इसी वजह से एक बार मुझे यहाँ पर अच्छी सी डाउन मूवमेंट मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, 13 पीरियड का मूविंग एवरेज लगाऊंगा, EMA लगाऊंगा 13 पीरियड का, और उसके साथ में ही अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करूंगा। क्योंकि इतना अच्छा डाउन साइड में मूवमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर अगर यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है ना, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव है। और ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी IT यहाँ पर रेजिस्टेंस पर है, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है, एंड देन यहाँ पर निफ्टी IT आप यहाँ पर देख सकते हैं कि निफ्टी IT का यहाँ पर कॉलम है मेरे वॉच लिस्ट में, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो। HCL टेक इन्फोसिस TCS विप्रो सभी रेड में है यहाँ पर। तो इसी वजह से थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हम कोई ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में तो ट्रेड नहीं कर रहे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कोई भी ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं कर रहे, हम ट्रेंड के ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। भले यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव हो, पर यहाँ पर हमारा जो मेजर इंडेक्स है जो कि निफ्टी IT है, मतलब यहाँ पर टेक महिंद्रा के लिए निफ्टी IT मेजर इंडेक्स है, तो वो निगेटिव में है। इसका मतलब हम ट्रेंड के ही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी वजह से देखते हैं कि क्या होता है, मैं आपको आगे अपडेट करता रहता हूँ। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी छोटे से लॉस या फिर हम ब्रेक इवन पे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर पोजिशन चल रही है। थोड़ा सा देख लेते कि यहाँ पर प्राइस एक्शन हमें क्या बोल रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमने बोला था कि 1.272 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो सकता है, जहां पर प्राइस ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, देन प्राइस ने यहाँ पर इसका ब्रेकआउट भी कर दिया था और निगेटिव कैंडल भी बना रहा था। पर यहाँ पर से प्राइस ने बाउंस किया, आप यहाँ पर देख सकते कि लगभग यहाँ तक प्राइस गई, यहाँ पर से नीचे गई, और अभी ये यहाँ पर रेड कैंडल बना रही है, ठीक है ना। मतलब हम कह सकते हैं कि अभी प्राइस हमारे यहाँ पर ब्रेक इवन पे चल रही है। और यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता दूं। तो अगर हम यहाँ पर निफ्टी IT का चार्ट देखेंगे तो आप यहाँ पर सिंपल सा देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पर प्रीवियस हाई का सपोर्ट ले रही थी, यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद में बहुत ही अच्छा मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना और उसके बाद में प्राइस ऊपर जा रही है, ठीक है ना। अभी तक मैंने यहाँ पर इसलिए एंट्री क्लोज नहीं की क्योंकि प्राइस यहाँ पर रेजिस्टेंस पे आएगी, हमें यहाँ पर सिंपल सा देखना है। अगर ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर से ब्रेक कर देगी देन श्योरली मैं यहाँ पर से अपना जो भी लॉस होगा वो बुक कर लूंगा, ठीक है ना। पर अगर प्राइस यहाँ पर जाती है, ठीक है ना, प्राइस यहाँ पर जाती है, यहाँ पर से रिजेक्ट होके फिर से अपने सपोर्ट पे आती है, देन श्योरली हमें यहाँ पर हमारा जो ट्रेड चल रहा है यहाँ पर बहुत ही अच्छा डाउनसाइड में मूवमेंट मिल सकता है। पूरा टारगेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि अभी यहाँ पर मार्केट बंद होने में 1-2 घंटे बाकी है और उसी की वजह से बहुत बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, पर एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। अदरवाइज अगर ये ब्रेक कर देगा तो मैं ये जो भी अपना लॉस में पोजीशन चल रही होगी, ब्रेक इवन पे चल रही होगी या फिर प्रॉफिट में चल रही होगी, उसको मैं यहाँ पर से निकाल दूंगा। तो इसके आगे का ये ट्रेडिंग प्लान में रहेगा मेरा। देखते कि प्राइस यहाँ पर से किस तरह से परफॉर्म करती है। और निफ्टी बैंक निफ्टी भी यहाँ पर से कंसोलिडेशन में चली गई है, इसी वजह से कोई भी स्कैल्पिंग का ट्रेड भी मुझे नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो यही ट्रेड हम कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं कि कैसा यह ट्रेड रहता है। और ऐसे 100% भी नहीं है कि हमने कुछ प्लान बनाया और उसको मार्केट यहाँ पर से रिस्पेक्ट कर रहा है। श्योरली यहाँ पर बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा था, बहुत ही अच्छा ये ट्रेड सेटअप बन रहा था और उसको मैंने 100% ट्रेड किया। अब ये मार्केट की जिम्मेदारी है कि वो अपना स्टॉप लॉस हिट करता है या फिर टारगेट हिट करता है, जो भी होगा हम यहाँ पर से एक्सेप्ट करके चलेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर अपडेट करता रहूंगा। हाँ तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा मार्केट यहाँ पर अभी क्लोज हो चुका है और मैंने भी अपनी इंट्राडे की पोजीशंस क्लियर ऑफ कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आप अगर आप स्क्रीनशॉट भी देखोगे तो पूरा ब्रेक इवन पे मैंने इसको एग्जिट कर दिया। लास्ट मोमेंट तक मैंने वेट किया कि ये यहाँ पर डाउन साइड में आए, पर प्राइस यहाँ पर ब्रेक करने के बाद में कंसोलिडेशन में चली गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काइंड ऑफ यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न बना रही है। अभी इसको हम मंडे को भी ट्रेड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर अभी यहाँ पर हमें कोई प्रॉफिट भी नहीं हुआ और यहाँ पर कोई लॉस भी नहीं हुआ। अभी सिंपल सा देखेंगे, यहाँ पर प्राइस क्यूब कंसोलिडेशन में चली गई। तो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर ये यहाँ पर से ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, पर प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन के बाद में यहाँ पर बहुत ही अच्छा डबल टॉप पैटर्न भी बनाया और यहाँ पर अगर ये नेकलाइन ब्रेक कर देता, हमारे पास और थोड़ा टाइम होता तो श्योरली ये फिर से अपने सपोर्ट पे आ जाता, ठीक है ना। और अगर ये सपोर्ट पे आ जाता तो कुछ तो प्रॉफिट हमें इस वाले ट्रेड से मिलता, बट इट्स ओके। हर बार ऐसा ट्रेडिंग में नहीं होता कि बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है, आप बहुत ही अच्छा ट्रेड ले रहे हो और देन आपको 100% प्रॉफिट ही होगा। और यही हर बार मैं आपको बताना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं ऐसा कभी भी नहीं करता कि सिर्फ जब प्रॉफिट हो रहा है तभी वीडियो पोस्ट करूँ। मैं हर फ्राइडे को यहाँ पर जो भी ट्रेड्स लेता हूँ यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू करके लेता हूँ और वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो इस वाले ट्रेड में हमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉस भी नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, हमने यहाँ पर ब्रेक इवन पे पोजीशन अपना काटा। होप है कि आपको इस वाले वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। मैंने तो अपना पूरा सेटअप फॉलो किया। आपको ये ट्रेड कैसा लगा, कुछ गलती लगी होगी तो प्लीज मुझे यहाँ पर कमेंट में बता देना। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए। और आज के वीडियो में इतना ही रखते। थैंक यू वेरी मच।